वेलकम टू एग्जाम भी बेचना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आप किसी भी हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम को लीजिए वहाँ पर नामकरण से संबंधित एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पिछली वीडियो में भी आदिकाल के नामकरण को डिस्कस किया था अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे रीतिकाल के नामकरण के बारे में किस किस कवि ने इसे क्या क्या नाम दिया है संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं जो रीतिकाल है इसे अलंकृत काल नाम किसने दिया था सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो रीतिकाल का समय माना जाता है ये माना जाता है सोलह से लेकर अठारह ईस्वी तक आपको ये याद रखना है कब से कब तक किसका समय क्या माना जाता है सोलह ईस्वी से लेकर अठारह ईस्वी इस तक इसका समय माना जाता है और जो यहाँ से दूसरा प्रश्न जो बनता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं चिंतामणि को चिंतामणि ने जो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को अखंड परंपरा के अंतर्गत चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो कृपाराम आते हैं इसके पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो डॉक्टर नगेंद्र है इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है इन्होंने माना है केशव दास को इन्हीं तथ्यों को भी आपको याद रखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत सी परीक्षाओं में से पूछा जाता है इसके पश्चात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल को क्या नाम दिया था तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रीति काल को रीति काल नाम दिया था महत्वपूर्ण है ये बहुत सी परीक्षाओं में से पूछा जाता है इसके पश्चात जो दूसरा है रीति काल को श्रृंगाल काल नाम किसने दिया था तो ये दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा यह भी महत्वपूर्ण है अगला है रीति काल को कला काल नाम किसने दिया था तो जो रीति काल को कला काल नाम दिया गया था दो रचनाकारों के द्वारा पहले तो थे रमाशंकर शुक्ल रसाल उसके पश्चात दूसरे थे जिन्होंने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा याद रखिएगा ये दो थे विद्वान जिन्होंने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया था आगे हैं जो डॉक्टर भगीरथ मिश्र थे इन्होंने रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल नाम दिया था तो यह भी महत्वपूर्ण है बहुत सी परीक्षाओं में इसे भी पूछा जाता है इसके पश्चात जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है इन्होंने रीतिकाल को नाम दिया था दी आर्ट पोइट्रिका क्या नाम दिया था दी आर्स पोइट्रिका किसको रीतिकाल को ये नाम ग्रियर्सन ने दिया था कई बार आपसे ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो ग्रियर्सन थे इनका पूरा नाम क्या था इनका पूरा नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इन इसको भी आपने कहीं लिख के रखना है इस तरह के तथ्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं आगे है एडवन ग्रीव्स इनके द्वारा रीतिकाल को क्या नाम दिया गया था तो ये दिया गया था एलाबोराइज पीरियड तो इसे भी याद रखिएगा यह भी महत्वपूर्ण है एलाबोराइज पीरियड किसके द्वारा रीतिकाल को नाम दिया गया था एडविन ग्रीब्स के द्वारा आगे है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इनके द्वारा नाम दिया गया था शास्त्र साहित्य शास्त्री काल आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनके द्वारा दिया गया था कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा भी कलाकाल ही नामकरण दिया गया था तो इसके पश्चात ये नाम भी पूछा जाता है कि जो रीतिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया गया था तो ये ये दिया गया था डॉक्टर त्रिलोचन के द्वारा यह भी महत्वपूर्ण है इसे भी आप याद रखिएगा इसके पश्चात जो आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता देता हूँ कि जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और इसमें इन्होंने रीतिकाल अर्थात इन्होंने वैसे तो रीतिकाल को रीतिकाल कहा था पर इन्होंने श्रृंगाल काल कहा था रीतिकाल को इन्होंने इसे तीन भागों में विभाजित किया था और वे कौन कौन से भाग थे एक था रीतिवद दूसरा था रीति सिद्ध और तीसरा था रीतिमुक्त तो, तो यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतीत इसमें इन्होंने इसका क्रमबद्ध तरीके से विभाजन भी, भी किया था तो ठीक है दोस्तों समझता हूँ मैं आपको क्या इस वीडियो में आपको बहुत से तथ्य देखने को मिले होंगे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो ठीक है यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद